18 फरवरी को फ्लर्टिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं फ्लर्टिंग भी एक कला है। यदि आप फ्लर्टिंग को हल्के में लेंगे तो हो सकता है कि आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़े। कई शोधों में यह साबित हो चुका है कि प्रेम संबंधों को लंबे समय तक चलाने के लिए फ्लर्टिंग एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। फ्लर्ट करने के भी कुछ रूल्स होते हैं, यानी आपको चाहिए कि आप फ्लर्ट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। आइए जानें फ्लर्ट से पहले की जरूरी 5 बातें। रूल नंबर 1, सच्चाई को जानें। फ्लर्टिंग से पहले आपको खुद का मूल्यांकन करना चाहिए, आप कैसे दिखते हैं। रूल नंबर 2, कंफर्ट लेवल बनाएं। फ्लर्टिंग तभी बेहतर तरीके से की जा सकती है जब कोई लड़का या लड़की आपके आसपास खुद सहज महसूस करे। यदि वे आपके पास सहज महसूस करते भी हैं तो भी आपको चाहिए कि आप जाकर फ्लर्ट खुद पहले करें। आपको अपना कंफर्ट लेवल बनाना जरूरी है। रूल नंबर 3, चुनाव ध्यान से करें। ऐसा नहीं कि आप किसी के पास जाकर फ्लर्टिंग करना शुरू कर दें। आपको इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि आप किसके साथ फ्लर्टिंग कर रहे हैं, अन्यथा आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। कुछ लड़कियों को यह बात पसंद नहीं आती कि कोई लड़का उनके साथ फ्लर्ट करे। आपको हर लड़की से बात करने से बचना चाहिए। रूल नंबर 4, कॉमन सेंस। फ्लर्टिंग का बेहतर तरीका है सिंपल रहना, यानी आपकी बातचीत में गंभीरता कम हो और हंसी मजाक ज्यादा। बातचीत के दौरान कोई ऐसी बात न कहें या मजाक करें जिससे आपके फ्रेंड को समझने में वक्त लगे। आपको कॉमन सेंस के साथ ह्यूमर का इस्तेमाल करना चाहिए। रूल नंबर 5, समय उचित हो। फ्लर्टिंग के लिए सही समय भी जरूरी होता है। आपको माहौल देखकर ही फ्लर्टिंग करनी चाहिए। छोटी सी गलती से आप चूक सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि सही समय का इंतजार करें। इसके लिए आपको पहले माहौल का परखना और अपने साथी की रुचियों का ध्यान रखना भी जरूरी है। ये थी SM न्यूज की रिपोर्ट।